वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने घर बैठे हुए मोबाइल के थ्रू पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में सबसे एंड तक बने रहें। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के कॉन्टेंट हमेशा मिलते रहते हैं। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, देख लेते हैं किस तरीके से हमको अपना पैसा विड्रॉ करना है हमारे पीएफ अकाउंट से, वो भी मोबाइल के थ्रू अपने घर बैठे हुए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहला आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको गूगल पर टाइप करना है UAN लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने देखिए टॉप पर जो साइट ओपन होगी आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे UAN की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके पहले हम क्या करेंगे, हमारे फोन को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको टॉप में साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे राइट साइड में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला, आपके इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो फोन है डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको अपना UAN नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपको ये पासवर्ड टाइप करना है और ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सारा फिल करने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस साइन इन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक कर देंगे आपको सामने देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले ये लेटर के ऊपर क्लिक करके इस पॉपअप को क्लोज कर देना। पॉपअप को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टॉप में थोड़ा जूम करके तो आपको इस टाइप के देखिए बहुत से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपने अपनी KYC अपडेट कर रखी है या नहीं। अगर आपने अपनी KYC अपडेट नहीं कर रखी है तो आप पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना देखना है यहाँ पर व्यू या फिर मैनेज में। आप मैनेज में जाएंगे, मैनेज में आपको KYC का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो कर देगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपलोड कर रखा है मेरे फ्रेंड का, जिसका मैं अभी चेक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैसा इसका अकाउंट से विड्रॉल करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर अपडेट है और उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर अपडेट है। तो आपको क्या करना है इस चीज को पहले चेक कर लेना है। इसके बाद आपको किस तरीके से अप्लाई करना है अपना पैसा निकालने के लिए पीएफ अकाउंट से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉप में ऑनलाइन सर्विसेज का, तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 3119-10C और आपका 10D, तो आपके इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना कुछ भी चीज कुछ छेड़ना नहीं है। आपको ये जो ऑप्शन दिखाई रहा है आपका जो अकाउंट नंबर है, जो SBI अकाउंट नंबर है या कोई भी अदर बैंक का अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो अकाउंट नंबर यानी जो बैंक अकाउंट नंबर आपने अपना पीएफ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, अपडेट किया हुआ है, वही नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो मैं गाइस यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में जो वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ था, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस टाइप का एक पॉप अप ओपन हो जाएगा, आपको इस पे यस क्लिक कर देना है। यस क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर जो हमारा अकाउंट नंबर था वो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक मार्क होकर आ गया है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई हो गया है हमारा पीएफ डिपार्टमेंट के साथ। तो इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा प्रोसीड फॉर क्लेम, आपको प्रोसीड फॉर क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस इसके बाद आपके सामने देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में यहाँ पर दिखा हुआ है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, मतलब आप किस पर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कौन सा फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे लास्ट में हमारा पीएफ एडवांस फॉर्म यानी फॉर्म 31, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। अगर आप कौन कौन सी कंपनी में काम किए हैं तो लास्ट वाली जो कंपनी है आपको वो चूज कर लेनी है। आपने अगर एक दो कंपनी से ज्यादा काम किया तो आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको 3 नंबर वाला जो है कॉलम उसको सेलेक्ट करना है जिसमें आपका लिखा हुआ है आपको करना है कि किस पर्पज से आप पैसा निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस। अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस के हिसाब से आप अप्लाई करें तो आपका पैसा वो जल्दी से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, कितना आपको अमाउंट यहाँ पर निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 80,000 डाल लेता हूँ। 80,000 गाइस अमाउंट को फिल करने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के टाइम पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, वरना वो एड्रेस मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच होने के कारण फिर आपका पैसा विड्रॉल नहीं हो पाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गाइस आपको सारा एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट नंबर पे आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक, यानी यहाँ पर आपको अपना चेक का कैंसिल चेक का एक स्कैन कॉपी
अपलोड करना है, या फिर आपका जो पासबुक है, जो आपका बैंक का जो किताब होता है, उसको यहाँ पर एक फोटो खींच के अपलोड करना है। बट आपको अपलोड करने के टाइम पर एक चीज का ध्यान रखना है कि वो फोटो का या स्कैन जो फाइल होगी उसका जो साइज है 100 KB से 500 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके फोटो का साइज अगर हैवी है या फिर बहुत लो है, तो आपको उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करके 100 to 500 KB के बीच में उसका फाइल का साइज कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद ही आपको इस फोटो को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा से देखिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। चूज फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका मैन यहाँ पे मांग लेगा कि आपका फोटो कहाँ पर है, तो मैं फाइल में चला जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद आपने अपना फोटो जहां पर भी रखा हुआ है, तो आप वहां से अपने फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर सीधा टाइप कर दूंगा, मैंने उसका नाम ऑलरेडी रख दिया था, तो आप भी अपना जैसे भी वो सर्च कर लें। देखिए संदीप शर्मा, मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रख दिया था। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं लास्ट में आपको व्यू का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर अपना आप व्यू करके भी देख सकते हैं कि आपने जो फोटो अपलोड किया है वो विजिबल है या नहीं, क्योंकि वो लोग जो चेक करते हैं कैंसिल चेक हो या फिर आपका पासबुक का फोटो, उसमें देखा जाता है कि आपका नेम और आपका जो अकाउंट नंबर है वो क्लियर विजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ पर अपना व्यू करके इसको देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर और आपका नेम विजिबल हो रहा है या नहीं। अगर विजिबल है तो ओके, अगर विजिबल नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ, इसलिए आप भी इसको चेक कर लें। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई है इसको आपको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार OTP। आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर यहाँ पर एक OTP जाएगा, वो हमको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमने जो ऑनलाइन क्लेम करना था वो डायरेक्टली क्लेम हो जाएगा, और हमारा जो पैसा है 8 से 10 दिन के अंदर हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गेट OTP के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। गाइस सेंड OTP के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, देखिए हमारा OTP सेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा एंटर OTP का ऑप्शन आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना OTP फिल करना है, और OTP फिल करने के बाद आप देखेंगे नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैलिडेट फॉर सबमिट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर ये क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि OTP हैज बिन वेरीफाई, eKYC अपडेट फॉर PF एडवांस फॉर्म क्लेम फॉर सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफोटर पोर्टल, क्लिक हेयर टू व्यू योर PDF फॉर्म। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो PDF फॉर्म है जो हमने अप्लाई किया है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करके अपने फोन में या फिर अपना लैपटॉप में रख लेना है, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर केयर से इसके रिगार्डिंग बात करके कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। आपका इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको अपडेट होने में करीब 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो 1-2 मिनट के बाद आप जैसे क्लिक हेयर के ऊपर टैप करेंगे तो आपका फॉर्म देखिए यहाँ पर टॉप पर एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा, और आपको इसको सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक करके PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद गाइस जैसे आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा, क्लेम सबमिट होने के बाद अगर आपको 1-2 दिन के बाद चेक करना है कि आपका अपडेट स्टेटस क्या है, मतलब आपका जो फॉर्म है किस कंडीशन में है अभी, मतलब वो कितना दिन में अपडेट हो जाएगा या फिर कितने दिन में आपका पैसा आ जाएगा, ये स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि हम लोग पहले क्लेम करने के लिए गए थे, ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सबसे नीचे देखेंगे ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लास्ट एप्लीकेशन है जो आपने सबमिट किया उसका स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब कब तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी क्लेम है जो हमने किया है वो यहाँ पर स्टेटस शो कर रहा है 29 सितंबर 2022 3:33 PM को हमने जो क्लेम किया है वो यहाँ पर दिखा रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। तो अभी इसकी जो कंडीशन है या जिसका जो स्टेटस है अभी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है। तो वैसे ऐसे ही आप इजी तरीके से अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल से अपना PF अमाउंट विदड्रॉल कर सकते हैं। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।